नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल चौबलक पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीटीटी काउंसलिंग 2020 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पीटीटी 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से आपको करना है, घर बैठे स्टेप बाय स्टेप विदाउट मिस्टेक पीसी या मोबाइल से आप इसमें बिना किसी मिस्टेक को किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसी बारे में जानकारी दी जाएगी आज के वीडियो। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, चलिए शुरू करते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल जॉब लक पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारी पीटीटी 2020 से संबंधित प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय रहते आपको मिल सके। फ्रेंड्स ध्यान दें कि पीटीटी काउंसलिंग बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन आप अपने पीसी या मोबाइल दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। आप उसमें जो भी ब्राउजर यूज़ करते हैं सिंपली आपको उसको ओपन करना है, देन उसके गूगल के सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है पीटीईटी डीसीबी 2020 और सिंपली इसको ब्राउज कर लेना है। जैसे ही आप इसको ब्राउज करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है और आपको यहाँ पर वेबसाइट देखने को मिलती है www.pteetdcb2020.com। आपको इसी वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करना ही, अन्य किसी फर्जी वेबसाइट पर नहीं जाना है। उसके पश्चात फ्रेंड्स पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल करना है और जहां से आपने अपना रिजल्ट चेक किया था 2 ईयर के लिए सिंपली आपको इस सेक्शन पर क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर बीएड 2 ईयर कोर्स। और जैसे ही आप इस सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब फ्रेंड्स पहले तो बात करते हैं कि आपको यहां पे काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स जैसे ही अपन रजिस्टर फॉर काउंसलिंग पर क्लिक करते हैं तो अपने सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है और यहाँ पर आपको चाहिए आपका रोल नंबर, उसके बाद आपका नेम, उसके बाद आपका मदर नेम, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद पेमेंट ऑप्शन। फ्रेंड्स एक यहाँ पे चीज़ बचती है, वो है आईडी। तो फ्रेंड्स आपके मन में डाउट होगा कि ये आईडी हमें कहाँ से मिलेगी, तो फ्रेंड्स इसके लिए फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, पुनः आपको बैक आ जाना है इसी पेज पर। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको रिजल्ट पीटीटी 2020 का सेक्शन देखने को मिल जाता है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप अपना रोल नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर करेंगे, उसके बाद ये जो भी काउंटिंग है इसका रिजल्ट जो भी रहता है वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे और प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देंगे। मान लीजिए कि आप अपना रोल नंबर भी भूल चुके हैं तो आप अपनी पर्सनल डिटेल्स को यहाँ पर फिलअप करके, यानी अपना नाम, अपना मदर नेम और उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करके प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। इतना करते ही फ्रेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाता है और फ्रेंड्स इसी रिजल्ट के कार्ड में आपको यहाँ पर आईडी देखने को मिल जाती है। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको आईडी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसी आईडी को यहाँ पर आपको काउंसलिंग करते समय यूज लेना है, तो पुनः आपको इसी पेज पर आ जाना है। और फ्रेंड्स यहां पर आने के बाद रजिस्टर फॉर काउंसलिंग इस लिंक पर पुनः आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहां पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने वही पेज ओपन हो जाता है। सबसे पहले आप अपना रोल नंबर यहां पे एंटर करेंगे, उसके बाद अपनी आईडी, उसके बाद अपना नेम, उसके बाद अपना मदर नेम, उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद आप अपना पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स सारी डिटेल्स को आप अच्छे से फिलअप कर देंगे लेकिन आपको दिक्कत आएगी पेमेंट ऑप्शन में कि सर पेमेंट ऑप्शन क्या सेलेक्ट करें। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप यहां पे सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो आपके सामने केवल 4 ऑप्शन ओपन होते हैं। एक तो ICICI बैंक का चालान, एक ICICI बैंक ऑनलाइन पेमेंट, एक एक्सिस बैंक चालान, एक एक्सिस बैंक ऑनलाइन पेमेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि चालान के लफड़े में आपको नहीं फंसना है क्योंकि इसके लिए आपको बैंक भी विजिट करना पड़ सकता है या फिर ई मित्र पर इसके लिए पेमेंट हो सकता है। आपको यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर ICICI बैंक ऑनलाइन पेमेंट को सेलेक्ट करना है, जो कि आप अच्छे से यहाँ पे घर बैठे पेमेंट कर सकते हैं बिना किसी मिस्टेक को किए। बस पेमेंट करते समय क्या ध्यान रखना है उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा अगले 1 मिनट में। यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, उसके बाद लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना है। अब मान लीजिए कि किसी का खाता ICICI या फिर एक्सिस बैंक में नहीं है तो यहाँ पर किस प्रकार से पेमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान दें कि अगर आपका खाता SBI बैंक में है तब भी आप इसके लिए पेमेंट कर सकते हैं, बस शर्ती उसका डेबिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अभी के लिए आप यहाँ पे ICICI बैंक ऑनलाइन पेमेंट को सेलेक्ट करें, उसके पश्चात लॉगिन के बटन पर क्लिक कर दें। लॉगिन बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है और आपको यहाँ पर कैंडिडेट डिटेल्स देखने को मिलती हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आपका रोल नंबर, आपका नाम, आपका फादर नेम, आपका मदर नेम, आपका सेक्स, आपका कास्ट, आपका DUB और आपका पेमेंट ऑप्शन।
इस प्रोसेस को आगे पढ़ने से पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि आपकी ये जो सारी डिटेल्स हैं वो एकदम सही तथा सटीक है, क्योंकि फ्रेंड्स ध्यान रखें कि आपकी ये डिटेल्स अगर गलत है तो आप अभी ही PTT ऑफिस में संपर्क करें और उसी के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन करें, और अगर आपकी ये सारी की सारी डिटेल्स एकदम करेक्ट हैं तो आप काउंसलिंग के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इसके पश्चात फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपना एक पासवर्ड एंटर करना होगा। ध्यान दें कि आपका जो पासवर्ड है वो कम से कम 5 से लेकर 10 कैरेक्टर तक का होना चाहिए, और ध्यान दें कि ये पासवर्ड आपको संभाल के रखना है क्योंकि भविष्य में समस्त प्रक्रियाएं आप इसी पासवर्ड के द्वारा करेंगे। और साथ ही फ्रेंड्स एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो कि है आपकी बैंक डिटेल्स की, जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि भाई सभी के सभी इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसके 250 नंबर आए हैं वो भी कैंडिडेट चाहे तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स आपका जो भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन शुल्क है यानी 5000 अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है या फिर आप कॉलेज में अध्ययन नहीं करते हैं, दोनों ही दशाओं में जब तक आप केवल 5000 रुपये भरते हैं आपको ये 5000 रुपये आपके खाते में वापस दिए जाएंगे। उसीलिए यहाँ पर ये आपसे बैंक डिटेल्स मांग रहा है, तो सिंपली आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर टाइप करना है, उसके बाद दोबारा आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर टाइप करना है, उसके बाद अकाउंट होल्डर नेम यानी जिसके नाम पर भी ये खाता है उसका नाम आपको यहाँ पर टाइप करना है, उसके बाद बैंक नेम में आपको यहाँ पर अपना बैंक नाम टाइप करना है, उसके बाद बैंक ब्रांच में जो भी ब्रांच है आपकी उसको आपको यहाँ पर टाइप करना है, और उसके बाद बैंक IFSC कोड में आपको बैंक का IFSC कोड टाइप करना है। ध्यान दें कि ये सारी की सारी डिटेल्स जो भी हैं ये सभी की सभी डिटेल्स आपको आपके बैंक पासबुक में मिल जाएगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक डाउट और हो जाता है कि सर यहाँ पर जो डिटेल्स हम बैंक डिटेल्स दे रहे हैं क्या अपनी खुद की ना देकर किसी और की बैंक डिटेल्स दे सकते हैं, तो ये डाउट आपके मन में निश्चित रूप से आ रहा होगा। अगर किसी का यहाँ पर बैंक अकाउंट नहीं है या फिर बैंक अकाउंट बंद हो चुका है, तो फ्रेंड्स ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स मिले चलता हूँ आपको एक जनरल गाइडलाइन के पेज पर। यहाँ पर आप साफ और स्पष्ट देख सकते हैं कि बैंक खाते से संबंधित केवल और केवल एक पॉइंट ही लिखा है, पॉइंट नंबर 10, और इसके अंतर्गत लिखा है कि अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरते समय अपनी श्रेणी संकाय व लिंक आदि सभी सूचनाएँ सही तथा ध्यानपूर्वक भरें। अभ्यर्थी केवल स्वयं के वैध मोबाइल नंबर ही आपसी संवाद हेतु अंकित करें, भविष्य में सभी सूचनाएं उसी नंबर पर प्राप्त होगी। और इसी प्रकार अभ्यर्थी बैंक खाते में स्वयं के नाम का खाता ही अंकित करें, मोबाइल नंबर तथा बैंक खाते में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये PTT कहता है, लेकिन फ्रेंड्स यहां पे मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहाँ पे जब आप काउंसलिंग करने जाते हैं तो यहाँ पे जो ऊपर की और डिटेल्स दे रखी हैं उसमें साफ और स्पष्ट लिख रखा है कि आप जो भी बैंक डिटेल्स देते हैं आप उन्हें अच्छे से चेक करके दें, क्योंकि आपको यदि महाविद्यालय आवंटित नहीं होता है तो ऐसी दशा में आपका रजिस्ट्रेशन शुल्क इसी बैंक खाते में रिफंड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए मेरी आपसे एडवाइस है कि यदि आपका बैंक खाता अभी नहीं है और आप हाथों हाथ नहीं खुलवा सकते हैं तो आप अपने फैमिली में किसी का भी बैंक खाते का डिटेल्स यहाँ पे दे सकते हैं, बस अर्थे आपको ध्यान रखना है कि आपका जो भी रिफंड होगा वो उसी बैंक खाते में होगा, अन्य किसी खाते में नहीं होगा। बाकी फ्रेंड्स आप अपनी सूझबूझ के अनुसार, आप इतनी एज के तो है ही हैं कि कोई भी अच्छे से फैसला कर सकते हैं, तो आपको जो भी अच्छा लगता है उसको आप कंफर्म करके उसके पश्चात आप अपना बैंक अकाउंट नंबर, उसके बाद पुनः अपना बैंक अकाउंट नंबर, अपना खुद का नाम और उसके बाद अपना बैंक का नाम, उसके बाद अपना बैंक का ब्रांच और उसके बाद बैंक IFSC कोड भरेंगे। ध्यान रखें मैंने यहाँ पे गलती से आपको बोल दिया है खुद का नाम, यहाँ पे आपको उसी व्यक्ति का नाम भरना है जिसका यहाँ पे आप बैंक डिटेल्स दे रहे हैं, यानी जिसके भी खाते की आप डिटेल्स दे रहे हैं, और इन सभी डिटेल्स को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। इतना करते ही फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का एक नया पेज ओपन हो जाता है और आपको यहाँ पर बोला जाता है फीस जमा करवाने के लिए उपरोक्त मेक पेमेंट के बटन पर क्लिक करें, पेमेंट किए बिना आप अपने आवेदन पत्र का प्रिंट नहीं ले सकते। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर पेमेंट करने के लिए क्लिक करना है, उससे पहले फ्रेंड्स आप यहाँ पे एक रिसेप्ट को देखते हैं जिसके अंतर्गत आपका जो भी इनवॉइस है वो आपको देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है कि आपको इस रिसेप्ट का सबसे पहले प्रिंट ले लेना है, जिससे आप यहाँ पर
एक प्रूफ रह सके कि भाई आपने जो पेमेंट किया है उसके पास आपके पास उसकी रिसिप्ट है या नहीं। तो आपको पेमेंट इनवॉइस के इस लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आप सेव इस PDF पर क्लिक करेंगे और इतना करते ही ये आपकी ड्राइव में सेव होने के लिए चली जाएगी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपको इन 3 लाइन्स पर क्लिक करना है, अपनी संबंधित जो भी जीमेल आईडी है उसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद सेव के बटन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। अपनी ड्राइव से पुनः इसको अपने मोबाइल के फाइल मैनेजर में सेव कर सकते हैं। उसके पश्चात फ्रेंड्स पुनः आपको इसी पेज पर आ जाना है, क्रोम के पेज पर, और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपना पेमेंट करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रखना है कि जो भी आपका पेमेंट होने के बाद आपको प्रिंटआउट मिलता है आपको उसको संभाल के रखना है, और साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि इस पेमेंट को करने के बाद ही आप इस काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। तो बिना देर किसी देर की आप ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो फ्रेंड्स अभी फ़िलहाल के लिए दिक्कत क्या आ रही है कि जैसे ही मैं यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये बता रहा है कि ये इस सर्वर पर अभी वर्क नहीं कर रहा है। द रिक्वेस्टेड URL वॉज नॉट फाउंड ऑन दिस सर्वर। और इस वजह से फ्रेंड्स अभी मैं फ़िलहाल के लिए इसका पेमेंट लाइव करके मैं आपको नहीं दिखा सकता। बाकी फ्रेंड्स आप जैसे मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपकी पेमेंट डिटेल्स को मांगा जाएगा, यानी आप जिससे भी ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं आपकी वो सारी डिटेल्स को मांगा जाएगा। जैसे कि आप किसी भर्ती के लिए यहाँ पे फॉर्म भरते हैं तो आप उसका पेमेंट किस प्रकार से करते हैं उसी प्रकार से आपको इसका भी पेमेंट करना होगा। बस सरते आप पेमेंट करते समय ये ध्यान रखें कि जैसे ही आप अपनी डिटेल्स को फिलअप करते हैं उसके बाद आपको बिल्कुल भी इस पेज पर जल्दबाजी नहीं दिखानी है, यानी इस पेज को किसी भी प्रकार से रिफ्रेश नहीं करना है। अगर रिफ्रेश कर दिया तो पेमेंट भी चला जाएगा और आपका यहाँ पर स्टेटस भी पेमेंट सक्सेसफुली का नहीं शो करेगा। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि पेमेंट करते समय आपको पेशेंस रखना है कि भाई पेमेंट जब तक नहीं हो जाता है आप इस पेज को नहीं छेड़ेंगे। ऑटोमेटिकली जैसे ही पेमेंट होगा आपका यहाँ पर पेमेंट का इनवॉइस आपको प्रिंट करने के लिए दे दिया जाएगा, यानी सिंपली आपका पेमेंट हो चुका है उसकी रिसिप्ट आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल जॉबलक पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिए। बाकी फ्रेंड्स इससे संबंधित कोई और डाउट आपके मन में है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, या तो रिप्लाई के माध्यम से फिर वीडियो के माध्यम से आपके उस डाउट को सॉल्व किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ फ्रेंड्स प्लीज़ पेमेंट करते समय जल्दबाजी मत कीजिएगा, अपना बैंक डिटेल्स अच्छे से फिलअप कीजिएगा और साथ ही अंतिम पेमेंट के ऑप्शन पर जाते समय किसी भी प्रकार से पेज को रिफ्रेश रिलोड मत कीजिएगा। ऑटोमेटिकली वो जैसे ही पेमेंट हो जाएगा वो पुनः आपको अपने प्रिंट के ऑप्शन पर ले जाएगा। उस पेज का प्रिंट अच्छे से जरूर से ले लीजिएगा याद रखकर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।